हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पेपलम टॉप, जिसे मैंने मेंस की जीन्स के साथ क्रिएट किया है। इससे चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ मैंने रेगुलर फिट जीन्स लिया है। बॉटम से मैं मेजर करूँगी मेरा बॉडिस, जिसके लिए मैं सबसे पहले इसकी लेंथ मेजर कर लूँगी। सो इसका लेंथ है 14 इंचेस एंड बॉटम पे हम पेपलम ऐड करेंगे एटलीस्ट 9 इंचेस का। सो कुछ इस तरीके से हम हमारी कुर्ती सबसे पहले प्लेस करेंगे एंड साइड से 1 इंच का गैप छोड़ते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेंगे, सो दैट हमें हमारी प्रॉपर बॉडी का मेजरमेंट मिल जाए। अब इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो रिमेनिंग फैब्रिक है, इसे हम पेपलम और स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसे हम साइड में रखेंगे। अब सबसे पहले हमें वन साइड की स्टिचिंग्स रिमूव करना होगा एंड बॉटम की भी स्टिचिंग्स रिमूव करना होगा। सो डेनिम के जहाँ पे डबल साइड स्टिचिंग्स है, वहाँ की ही स्टिचिंग्स हमें रिमूव करना होगा। सो यहाँ हमने ऑल ओवर इसकी स्टिचिंग्स रिमूव कर लिया है। स्टिचिंग्स रिमूव करने के बाद इसे अभी हम वन अबव द अदर प्लेस करेंगे, जिस तरीके से ऑलरेडी वो प्लेस था एंड हमने मार्किंग लिया था, उसी तरीके से हमें प्लेस करना होगा। एंड देन प्लेस करने के बाद हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। हाफ में फोल्ड करने के बाद हमें टोटल 4 लेयर्स ऑफ फैब्रिक रिसीव होंगे। अब इसके ऊपर हम हमारी कुर्ती प्लेस करेंगे फोल्ड करते हुए। दोनों फोल्डेड साइड एक ही जगह रखना होगा। हमें शोल्डर पे भी एटलीस्ट 1 इंच का गैप रखते हुए ऑल ओवर प्लेस कर लेना होगा एंड 1 इंच का गैप छोड़ते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। नेक के लिए मैं लेंथ ले रही हूँ 2 इंचेस एंड शोल्डर के पॉइंट से मैं इसे जॉइंट कर लूँगी। सो ऑल ओवर मार्किंग के बाद हम इन्हें कट कर लेंगे। अब हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। नेक के लिए हम बैक साइड ऑफ नेक का मिड पॉइंट लेंगे एंड वहाँ पर हम 5 इंचेस का एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड देन इसे हम कट करेंगे। कट करने के बाद ऑल ओवर नेक हम इसी तरीके से हेम कर लेंगे। सो यहाँ हमने इसे हेम कर लिया है। अब जो नीचे का फैब्रिक था, उसे पॉकेट से नीचे से हमें कट कर लेंगे इस तरीके से मार्क करते हुए। सो इसे कट करने के बाद हम इसकी भी वन साइड की स्टिचिंग्स रिमूव करना होगा। जहाँ पे डबल साइड है वहाँ की ही स्टिचिंग्स हम रिमूव कर लेंगे एंड इसे मैंने रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के बाद हम इसे एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे एंड बॉटम पे हमारी प्रॉपर स्टिचिंग्स नहीं है, इसीलिए हम इसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। हाफ में फोल्ड करने के बाद हम बॉटम पे इसे अच्छे से ट्रिम कर लेंगे। सो यहाँ हमने कर्व्ड लाइन ड्रॉ करते हुए इसे अच्छे से ट्रिम कर लिया है। अब आप देख सकते हैं हमारे दोनों नीचे के पार्ट रेडी है। अब इसे हम हमारे टॉप पे अटैच करेंगे। सबसे पहले हम साइज़ देख लेंगे। सो यहाँ मेरा टॉप का साइज़ और बॉटम का साइज़ प्रॉपर था। अगर प्रॉपर नहीं है तो आप थोड़ा सा और शॉर्ट कर लीजिए एंड इससे आपकी जो साइज़ है वो और इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जो हमारा ऊपर का पार्ट था, इसकी हम पॉकेट रिमूव कर लेंगे एंड पॉकेट रिमूव करने के बाद हम वहाँ का फैब्रिक कुछ इस तरीके से कट करेंगे। ये हम स्लीव्स के लिए कटिंग कर रहे हैं। सो यहाँ मेरा आर्म होल था 14 इंचेस एंड जो कि फैब्रिक कम था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा फैब्रिक ले लिया है एंड इसके साथ इसे जॉइंट कर लूँगी कुछ इस तरीके से। ऐसे ही मैं दोनों स्लीव्स के साथ सेम स्टेप रिपीट करूँगी। अब दोनों रॉन्ग साइड फोल्ड करते हुए हम इसे अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हमें एक दूसरे के ऊपर प्लेस करके फोल्ड कर लेना होगा। सो
टोटल हमें 4 लेयर्स ऑफ फैब्रिक मिलेंगे। अब इसके ऊपर हम हमारी कोई भी स्लीव्स पे प्लेस कर लेंगे। स्लीव्स का फोल्डेड साइड हमारे कपड़े के फोल्डेड साइड होना चाहिए एंड 1 इंच का गैप छोड़ते हुए हम ऑल ओवर मार्किंग कर लेंगे। ऊपर की तरफ हमें कर्व लाइन ड्रॉ करना होगा। सो यह हमने दोनों स्लीव्स कट कर लिया है। अब इसे हमारे टॉप पे अटैच करने के लिए टॉप को राइट साइड अपवर्ड फेस करते हुए प्लेस कर लेंगे एंड देन स्लीव्स को रॉन्ग साइड अपवर्ड प्लेस करते हुए कुछ इस तरीके से अटैच कर लेंगे। बॉटम के पेपलम को भी कुछ इसी तरीके से हम रॉन्ग साइड अपवर्ड फेस करते हुए ऑल ओवर अटैच कर लेंगे। सो यह हमने इन्हें अटैच कर लिया है। अब साइड की भी फिटिंग्स दे देंगे। अब जो थोड़ा सा आगे का बचा हुआ फैब्रिक है उससे हम डोरी क्रिएट करेंगे। सो यहाँ हमने 4 डोरी इन्हें क्रिएट कर लिया है। अब इन्हें हमारे बैक साइड पे कुछ इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। और यहाँ हमारा टॉप पूरी तरीके से तैयार है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आगे की तरफ मैंने ये पैच अटैच किया है। आप पर्ल्स का भी डिटेलिंग इस पर कर सकते हैं। सो गाइज, आई रियली होप आपको मेरा आज का ये सिंपल सा डीआईवाई पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ कॉमेंट डाउन करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट टाइम।